तो आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और यूथ के अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल है, रिलेशनशिप्स। यू कैन सी मतलब सब कुछ प्रोमिनेंट है, क्रिस्टल क्लियर है कि किस लेवल का रिलेशनशिप्स हैं, और ऑब्वियसली नॉट वैलिड वंस, ठीक है, नेगेटिव फैक्ट पर ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि इज़ मैरिज अ वैलिड सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? पहले तो रिलेशनशिप्स, यस, जिस तरह म्यूज़िक आम है, बाकी डिस्ट्रैक्शंस आम है, ये भी आम है। इनफैक्ट मैंने कल ही लाइव सेशन में इस पे बात की है रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि हर बंदा स्टक है। बट थोड़ा सा अगर बंदा गौर करे, प्रोडक्टिविटी की तरफ आए, तो कोई अक्लमंद आदमी रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ेगा मेरे नज़दीक, क्योंकि उसे पता है कितनी बड़ी फटीग है और ये कितनी बड़ी टेंशन है। यानी एक बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया है और वो रिलेशनशिप में पड़ जाए, तो बस फिर पढ़ लिया उसने। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा एलैबोरेट करने दें मुझे। जी देखिए, अब जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, वहाँ पे हर जगह को एजुकेशन सिस्टम है। अब मेल और फीमेल ने मिलने हैं, आपस में ग्रुप्स बनने हैं, एवरीथिंग इज़ अलाउड, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल का इंटरेक्शन है, देन आइदर वन ऑफ देम इज़ बाउंड टू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कि सब एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पूरी जो है ना को एजुकेशन सिस्टम है, और किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा। अब ऐसा हो, कई दफ़ा हो सकता है कि मतलब बंदा अपनी तरफ से लाइक फुल ऑन मोटिवेटेड गया यूनिवर्सिटी में कि ओके आई विल गेट द डिग्री इन 4 ईयर्स, और मैं जो हूँ हर सेमेस्टर में ऑसम पढ़ूंगा। लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो किसी फीमेल करेक्टर के लिए या मेल या फीमेल जो है किसी मेल के लिए फीलिंग्स ना क्रिएट करें। मतलब फीलिंग्स तो क्रिएट होंगी। अब उस टाइम पे अगर आप किसी मेल का पर्सपेक्टिव लें तो उसके लिए तो बेस्ट सोल्यूशन मैरिज है, बट लड़कियों को नॉर्मली या उनके फादर्स को तो यू नो कनाडा में सीए सेटल्ड बंदा चाहिए होगा, और अभी तो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में उसके पास ना जॉब है ना कोई और चीज़, तो वो मैरिज के तरफ अगर जाता भी है तो उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके पर वो कह सके कि यार मैं यू नो आई वांट टू मैरी। तो किस तरह से मैनेज करें, इस पहली बात, क्या कोई आपको मसला है? पसंद आ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्पेशली आज के एनवायरनमेंट में जाहिर है कि देर आर सो मेनी ऑपोजिट जेंडर अराउंड यू, बट अ मैन ऑफ डिग्निटी विल नो हिज लिमिट्स एंड अ वुमेन ऑफ डिग्निटी विल नो हर लिमिट्स। इफ़ यू लव समवन, यू विल नॉट हार्म दैट पर्सन, एग्रीड? साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली यू विल रिस्पेक्ट इट, एंड बिफोर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन यू विल रिस्पेक्ट द राइट्स एंड डोमेन्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू वतआला। क्योंकि अल्लाह को जिसने खो दिया फिर उसका क्या बचा पीछे। तो जब अल्लाह ने आपको राइट्स और बाउंड्रीज डिफाइन कर दी हैं, और ठीक है, अल्लाह अंडरस्टैंड्स के किसी से आपको मोहब्बत हो गई है, किसी कोई पसंद आ गया आपको, सो यू हैव टू टेक द राइट स्टेप, यू हैव टू डू सबर। आई नो मैनी पीपल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन, उसको दूसरे सेमेस्टर में को पसंद आया अपनी क्लास वालों, एंड ही वॉज, उसने पेशेंस की इंतहा कर दी। यानी उसने 6 सेमेस्टर सबर किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया 8 सेमेस्टर तक, यानी अल्लाह की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। बाकी ये कि ऑन एंड ऑफ जाहिर है, बातचीत होना, वो क्लास में मिलना, ये सारा तो जाहिर है, ठीक है, ये भी कुछ वी कैन आर्ग्यू कि ये भी नहीं होना चाहिए, बट जाहिर है कोई पसंद आ गया तो ये चीज़ें फिर होती हैं, नेचुरल हैं। बट ही वॉज सो पेशेंट एंड देन ही वेंट टू उमरा इन 8th semester एंड ही प्रेड फॉर हर टू अल्लाह कि आई वॉन्ट दिस पर्सन एज माई लाइफ पार्टनर, एंड अल्लाह ब्लेस्ड हिम इन दिस दुआ, और माशाल्लाह वो मैरिड है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन 8 semester के बाद। पिछले साल उसकी ग्रेजुएशन हुई है, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन उमरा पे दुआ करके आया था, उनका निकाह हो गया, उनके पेरेंट्स मान गए आपस में, एंड ही गॉट दैट पर्सन एंड दे विल हैव अ गुड लाइफ इंशाल्लाह। तो इस तरह आई कैन कोट यू मैनी एग्जाम्पल्स, बट देन देर आर हॉरेंडस एग्जाम्पल। इट ऑल स्टार्टेड विद अ रिलेशनशिप, लाइकिंग, एंड देन इट टर्नड आउट टू बी सो अगली, वन ऑफ देम गॉट यूज्ड, अब्यूज्ड, मिसयूज्ड, फिर रिवेंज, ओके, जब ब्रेकअप हो जाता है फिर रिवेंज की फीलिंग्स, फिर एक दूसरे को टॉर्चर करना किसी और के साथ रिलेशन चला के, दिस इज जस्ट नॉनसेंस, और इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। तो यस, शादी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन, और शादी आजकल आसान नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स विल से तुम कमाते नहीं हो। इनफैक्ट आज ही मेरी एक यूथ से बात हो रही थी, ही सेड टू मी कि अली भाई, हाउ टू कन्विंस माई पेरेंट्स के मेरी शादी कर दें और मैं जॉब नहीं करता तो परेशान ना हो, कोई बात नहीं।
सो आई सेड टू हिम कि देखो आपकी सिस्टर थी उनकी शादी हो गई, ओके अब एक बंदा फैमिली से कम हो गया, ओके नाउ एक बंदा फैमिली से कम हो गया और दूसरा ऐड हो जाएगा जो तुम्हारी बीवी आने वाली, तो फर्क क्या पड़ा? जितनी जो है वो रोटियां तुम्हारी सिस्टर खाती थी उतनी वो खा लेंगे, तो रिस्क में कहां से कमी आई है, पॉवर्टी कहां से आई है? ये जो पॉवर्टी का वो तुम्हें डर दिला रहे हैं कि पॉवर्टी आ जाएगी मतलब तुम कहां से कमा के खिलाओगे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो रियलिटी अगर हम देखें वो कहां हो रहा है। वही बंदा आपकी सिस्टर को रिप्लेस करके आ रहा है और वही उसी तरह वैसी पहले जैसी रोटियां बन रही। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर कोई वो गोल्ड डिगर आ जाए यू अंडरस्टैंड और यहाँ पे कोई एटीएम मशीन आ जाए तो फिर लाइफ्स गोना गेट टफ। ओके फिर यस यू नीड टू बी कोका कोला मैनेजर, यू नीड टू बी नेस्ले मैनेजर, अदरवाइज अगर बहुत सुलझी हुई लड़की है, अच्छी लड़की है, नॉट टू से कि ये जो डिमांडिंग होती हैं अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं, व्हाट आई मीन टू से इज कि जो आपके साथ चल सके ठीक है आपके हालात के मुताबिक तो फिर गो फॉर इट। और पेरेंट्स को किसी बंदे से मिलाएं, इमाम मस्जिद से मिलाएं, उससे कायल कराएं, ओके किसी सुलझे हुए बंदे से, अक्लमंद आदमी से मिलाएं, उन्हें समझाएं, पुट सम सेंस इनटू देम कि आपको नहीं पता यूथ के क्या चैलेंजेस हैं, आपका दौर और था, आपके दौर में लोग 28-28 साल तक सब्र कर लेते थे, बुराई से बच जाते थे, आज तो 15 साल के बच्चे को वो चैलेंजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू गिव देम गारंटीज कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता, कोई गुर्बत नहीं आती, कुछ नहीं होता, सो दिस इज़ हाउ टू गो अबाउट इट।